दो चम्मच तेल डाल दिया है। यहाँ हमारा तेल गर्म हो चुका है। यहाँ हमने दो बारीक कटे प्याज ले लिए हैं और यहाँ पे 250 ग्राम ये हमारा लौकी और कद्दू है। ये यहाँ पे हमने मिर्च ले ली है और यहाँ पे कड़ी पत्ते और ये दो बारीक कटे टमाटर और ये मेथी ले रखी है और ये हमारा राई। हमारा तेल गर्म हो गया है, अब हम इसमें राई डालेंगे। इसमें हमने प्याज डाल दी है, मिर्च सॉरी मिर्च मेथी डाला, कड़ी पत्ता, हींग, प्याज, अब इसको थोड़ी देर भुनाएंगे। अब इसको हम पकने देंगे तो ये ब्राउन नहीं रहता। इसको हम 3 से 4 मिनट ब्राउन होने देंगे। अभी ऐसा है कुछ, इसमें हमारे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे, मिला लेंगे। इसको हम 3 से 4 मिनट पकाएंगे, ये अच्छे से गल जाने चाहिए सॉफ्ट सॉफ्ट। अब इसमें सारी सब्जी डाल देंगे। सब्जी डाल देंगे, जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए तब तक वो पकाएं। स्वाद अनुसार नमक डाल दें। चलाते रहें। इसमें दोस्तों लाल मिर्च डाल रहे हैं 1 चम्मच। हिसाब से नीचे डाल दें। दो चम्मच सांभर मसाला, 2 चम्मच सांभर मसाला डाल दें और इसको मिला दें अच्छे से। इसको चलाते रहें, सॉफ्ट हो जाए। चार चम्मच इमली का पानी, इसको चला दें ऐसे। दोस्तों 2 गिलास पानी डाल देंगे इसमें। इसमें थोड़ा ढक के पकाएंगे 5-4 मिनट बस। मीडियम फ्लेम पे इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे थोड़ी देर। जब तक सब्जियां पक, अरे बोलो, जब तक सब्जियां पक रही हैं तब तक डाल दें। बोलो, जब तक सब्जियां पक रही हैं तब तक डाल दें। दाल हमारी तैयार है। दाल को थोड़ा सा हम इससे चला देंगे रही से, तो इससे थोड़ा दाल का स्वाद, सांभर का स्वाद बढ़ जाएगा। धीरे बोलो, गिद्ध बहुत है गली में।
गिद्ध हैं तो गिद्ध पड़े रहन दो, हमारी हम तुम दोनों की आपस की बात है। दोस्तों वैसे तो गुड़ डालनी चाहिए, गुड़ है नहीं तो एक चम्मच चीनी ही डाल देते हैं। चीनी से क्या खट्टा मीठा फ्लेवर आता है। हमारी यहाँ सब्जियाँ पक चुकी है, सॉफ्ट सॉफ्ट मिक्स बोले हैं है? सब्जियाँ सॉफ्ट हो गई हैं। इसमें इतनी खुशबू आ रही है, पड़ोसियों को भी खुशबू आ रही है, सोचने की नीलम के यहाँ सांवर बन रहा है। इसमें प्याज डाल देंगे, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा। इसमें दाल डाल देंगे, अरे बॉयल आने तक चलाएंगे। सांभर बन के तैयार हो गया, इसको 4-5 मिनट और पकाएंगे। सांभर बन के तैयार हो गया है और लाजवाब, आप खा के देखिए दोस्तों कितना चटकारेदार मज़ेदार। फोन से बाहर निकल के देखिए, इसमें धनिया डाल दें। बनके तैयार हो गया सांभर, गर्मा गर्म परोसो, खाओ पियो पियो, सो हगो ऐश करो। भुने हुए मूंगफली के दाने हैं, अदरक लहसुन 8 कलियां लहसुन की, एक पिंच अदरक, लहसुन थोड़ा सा पुदीना, लहसुन ही धनिया पुदीना, 2 मिर्च, कड़ी पत्ते भी हैं, हरी मिर्च डाल दी, स्वाद अनुसार नमक डाल लो और पानी डाल दो और पीसो। बोलो, चटनी बन के तैयार हो गई मूंगफली की, इडली के साथ खाने को। अब इसको फ्राई करेंगे। ये इसमें तड़का लगा दिया, तड़का लगा के डाल दिया, बन के चटनी तैयार हो गई। पूरी नहीं, दूर से खींचो तो पूरी नहीं आ रही। अच्छा तो भैया तीर से